खबर कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर रेंज के सलवा बीट में 11 हाथियों का दल देखा गया है। बता दें कि यह हाथियों का दल बकीरा बहरा क्षेत्र में किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद कंदाबारी में आराम कर रहा है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाथियों के संभावित विचरण मार्ग जैसे सलका, करील, धोवा, भंडारपारा और विशुनपुर में मुनादी कराई गई है। वन विभाग ने अनुमान लगाया है कि हाथी दल विशुनपुर होते हुए नगर की ओर बढ़ सकता है। संभावित खतरे को देखते हुए सभी संबंधित गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हाथियों का विचरण है और हमारी टीम लगातार गश्ती करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और हाथियों की निगरानी की जा रही है। जिधर भी उसका मूवमेंट रहता है उधर लगातार हमारी टीम, दिन में भी हम दो आदमी रखे हुए हैं और रात में हमारी दो टीम हमारी लगातार गश्ती कर रही है। और आसपास के गांव मेको, सलवा, बकीरा ये सब गांव हैं, तो सारे गांव वालों को सतर्क कर दिए हैं। और ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि हाथियों के रास्ता को ना रोकें। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि रास्ता को हम रोक देते हैं। आज कंदाबारी नाम का एक जगह है, यहाँ पे वो हमारा जंगल है, वहीं हाथी है। और ग्रामीणों से मैं अपील करती हूँ कि फटाका ना फोड़ें, हाथियों का रास्ता ना रोकें और किसी भी तरह से छेड़छाड़ करके परेशान ना करें, क्योंकि वन्य प्राणी अपनी सुरक्षा खुद करते हैं और हमको भी अपनी सुरक्षा करनी है, हमको दोनों की सुरक्षा करनी है, जानवर भी सुरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। तो दोनों हम सुरक्षित रहें और सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि हाथी को भी सुरक्षित रखें और सभी लोग भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें।